जहन दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर वायरल हो रहा है। लग रहा है सेना के साथ डीएससी ने भी बदलाव किया है और ये बदलाव हमारे लाखों जो जेसीओ हैं और जवान हैं उनके लिए फायदा होने वाला है, सीधा सीधा फायदा होने वाला। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आने से पहले मैं बोर्ड पे ये जानना चाहता हूं कि आखिर सोल्जर अपनी प्लानिंग बनाता कैसे, फिर आगे प्लानिंग से बढ़ता कैसे, और जब उसकी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डिफेंस सिक्योरिटी कोर। और वहां के कर्नल साहब को मैंने कॉल लगाया जो उस पर नंबर दिया है मैंने रिकॉर्ड। कन्नूर में एक मेजर साहब है, अब मैंने उनको ये लेटर भेजा है। अपना जो मेरा सेंटर है रेजिमेंटल सेंटर आरटी रिकॉर्ड नासिक, वहां के एक जे को मैंने नंबर भेजा है कि ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करके बता दो ये इंप्लीमेंट कब से हो रहा है और ये लेटर की अथेंटिसिटी क्या है। बट इस लेटर पे जो टेलीफोन नंबर है वो सीधे कर्नल MP3 को जा रहे हैं। ये बात करने से पहले हम इस लेटर के बारे में जो मैं आपके सामने इसके बारे में बात करूंगा, इससे पहले आ जाइए इसके ऊपर देखते हैं। लाइफ ऑफ सोल्जर बिफोर रिटायरमेंट, एक सोल्जर का जीवन होता है रिटायरमेंट से पहले कैसे होता है, इन फौज में रहती वो क्या सोचता है भर्ती होने के बाद। पहला उसका टारगेट होता है कि मैं किसी न किसी तरीके से मिनिमम सर्विस 15 साल करूं और फौज से निजात पाऊं। क्यों, जब जरूरत थी फौज में छोड़ना क्यों चाहता है कि बहुत ज्यादा तंगी है, यानी तंगी है, दबाव है, अनुकूल वातावरण का न मिलना, प्रतिकूल वातावरण में कि आप सोच नहीं पाते, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कंटिन्यूस, रात में ड्यूटी, दिन में बहुत सारे काम की वजह से उसको लीव जाने की तंगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के वो सोचता है नहीं बस अब बहुत हो गया, मेरी पेंशनेबल सर्विस हो जाएगी और मैं जाकर के रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ कर लूंगा, अपना जीवन कर लूंगा, मेरी पेंशन इतनी मिल जाएगी, कमोटेशन मिल जाएगा, ग्रेच्युटी मिल जाएगी। लेकिन ये ख्याली पुलाव साबित होते हैं कब, जब रिटायरमेंट के बाद आते हैं। होता क्या है, तंगी चीजें जिम्मेदारी से में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बीवी बच्चों की, लेकिन इनका जो जिम्मेदारी है उनका रूपांतरण हो जाता है। पहले की तंगी अलग टाइप की थी, अब की तंगी बहुत निजी तंगी हो जाती है। अब निजी तंगी में हम उसको आंख नहीं बंद कर सकते ना, और इस निजी तंगी को कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकता, जिसको बोलते हैं पैसा। और पैसा के लिए फिर आप हाथ पैर मारते हो, या तो गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल जॉब, वो आप अपनी इफिशियंसी के हिसाब से, देखो दोस्तों बहुत कम लोगों को मिलता है। भाई साहब एक बैठा है हमारा डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, ये किसी काम का नहीं है, ये कख भी नौकरी किसी फौजी को देने के लिए आया नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं है, सब बैठ के रोटी तोड़ने वाली फौज यहाँ बैठी है जो भी है। प्राइवेट जॉब में, अब प्राइवेट में कोई स्किल हमारे पास है नहीं, हम तो वही फौजी पीटी ड्यूटी है, लेकिन हमारी स्किल है उसका यहाँ सिविल में इंपॉर्टेंस नहीं है। बचता है सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी दूं या मैं जाऊं डीएससी, डिफेंस सिक्योरिटी कोर जब तक हमारा दिल भर जाता है। अब एक अच्छा पहले कि जो 2 साल का गैप था वो 5 साल का कर दिया है। पहले क्या था, 2 साल में हम डिसीजन नहीं ले पाते थे, घर में भी सारा कुछ जो पुदीना पुदीना सूखने वाला काम था वो भी हो जाता जब तक डीएससी से भी निकल जाते थे। अब ये कि यहाँ का भी 2 साल आप मजे ले लो, सिविल के भी नौता पानी खा लो, रिश्तेदार नातेदार सब देखने के बाद 5 साल का टाइम है, नहीं बनता है भाई, अपना सुबह शाम की पीटी और बजेगी सीटी और जाएंगे हम दोबारा फौज में, तो डीएससी। अब डीएससी में क्या है, पे भी सही है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, कंपटीशन है, लीव है, खाना पीना रहना सब फौज जैसा है, और तंगी है कम, तो क्यों ना अब डीएससी में जाया जाए। अब डीएससी में जाने के लिए डीएससी वाले ने दरवाजा थोड़ा छोटा था अब बड़ा कर दिया, इसमें बहुत सारे लोग घुसेंगे, अब कंपटीशन भी हार्ड होगा, तो तैयारी भी करनी है। अब इस लेटर पे आते हैं, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD आर्मी AG ब्रांच MP3 ने निकाला है 10 जनवरी 2023 को। इस पर टेलीफोन नंबर लिखा है 233-350-27, जिस पर मैंने 011 लगा के किया, तो कर्नल सागवान MP3 के आ रहे हैं, जो कि इसके अंदर जो दिया है रेफरेंस उनका है, तो लेटर सही लग रहा है, फिर भी मैं आपको और क्लियर करने के लिए मैंने भेज दिया है। रेफरेंस MP3 नोट सो एंड सो 2016 पार्लियामेंट अमेंडमेंट कैरिड आउट इन द इविड पॉलिसी एज फॉलोज फॉर पैरा 1B मैक्सिमम गैप बिटवीन डिस्चार्ज फ्रॉम प्रीवियस सर्विस एंड एनरोलमेंट इनटू डीएससी, मैक्सिमम गैप बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर्मर सर्विस एंड एनरोलमेंट ऑफ डीएससी रेस्पेक्ट ऑफ जेसीओ एंड वार विल नॉट बी मोर देन 2 ईयर्स। समझ गए, जब से डिस्चार्ज हुए और डीएससी में एनरोलमेंट के बीच का 2 साल का ही गैप था जेसीओ और वार के लिए, अब रीड मतलब अब क्या कर दिया है, मैक्सिमम गैप बिटवीन डिस्चार्ज फ्रॉम प्रीवियस सर्विस एंड एनरोलमेंट टू डीएससी फॉर ऑल जेसीओ आर मोर देन 5 ईयर, 5 ईयर नॉट मतलब विल नॉट मोर देन 5 ईयर मतलब 5 साल तक आप आराम से जा सकते हो। तो अब आपको फौज की समझ गए,
सिविल में भी नातेदारी रिश्तेदारी समझ लोगे, फिर आराम से डिसीजन लोगे, हड़बड़ाहट नहीं होगी। सिविल में कुछ मिलने वाला होगा आपको, कोई टीटी सीटी लगना है, लग जाओगे। बच्चे कुछ है, मेरे जैसे भाई हैं कहीं नहीं, तो डीएससी में जरूर जाओ, 5 साल करो, 5 साल में भी बहुत सारी हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी। ये बिल्कुल सही रास्ता है, और उसके अंदर क्या फैसिलिटीज है, क्या कुछ है, आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैं बता दूंगा बिल्कुल।